30 को जिसके टेप पिछले कईयों साल से इसके लिए हम लोग बना हुआ है, वो क्या रेसिपीज थी हमारे दादा नाना के जो रेसिपीज थी, दादी नानी जो बनाया करती थी, उसको फिर से किस तरीके से कलमबद्ध किया जाए और उसको बाहर तक भेजने के लिए ऐसी पुस्तकें छापी जा रही हैं, रेसिपी बुक्स छप रही हैं, जो कि मिलेट आधारित रेसिपीज जो कि भूल चुके हैं लोग, उसका टेस्ट उसको फिर से जागृत करने की आवश्यकता है, फिर से पुनः इस चेन में लाने की आवश्यकता है, वैल्यू चेन बनाने की आवश्यकता है। तो इन सबको, तो अगर इन सबको हम लोग करते रहे तो क्या होगा, सबसे पहले तो गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण, क्योंकि इनको पकाना, इनका जो प्राइमरी या अप टू प्री प्रोसेसिंग का जो है वो सारा काम गांव की स्त्रियों के पास था, उनको और अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ता है, एक हम लोग काम जनरेट करते हैं उनके लिए, लाइवलीहुड के साधन उपलब्ध होते हैं, उसको होगा कि नए मार्केट बनेंगे। अभी तक जैसे किसी जमाने में आज से 50 साल पहले जब सोयाबीन आया, तब नहीं किसी ने सोचा होगा कि सोयाबीन तेल के लिए मंगाया जा रहा है, लेकिन सड़क के किनारे सोया चाप किया कम से कम 50 रुपए के लिए आपको हर जगह मिल जाए, हाई प्रोटीन सोया चाप खाने के लिए लोग बच्चे लाइन लगा के खाते। तो वो धीरे धीरे इसी तरीके से जब आपका मिले के भी पदार्थ जो है, प्रोडक्ट जो है, सड़क के किनारे मिलने लगेंगे, जब समझे कितना ज्यादा हमारे पास, हमारे लोग बॉलीवुड इससे जुड़ेगा, है ना, बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जो कि हमारी संस्कृति से बाहर हो चुकी है, धीरे धीरे फिर से पुनः हम लोग की संस्कृति में आएगा। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा इसकी वजह से ये हो रहा है कि ऐसी चीज ये आई जो कि केवल भारत में इसका ज्यादा मिलेट्स जो है भारत में ही ज्यादा थे, तो जो नए इनोवेशंस आए उससे हमारे जो नए इनोवेटर्स हैं वो भारत के बच्चे होंगे, भारत के स्टार्टअप्स होंगे जो कि वैश्विक स्तर पर कार्य कर सकेंगे। तो ये जैसे अभी गेहूं में हम कुछ काम करने चले या मटर में कुछ काम करने चले तो उसमें हमारे पास कंपटीशन है बाहर, लेकिन मिलेट में जब हम कोई काम करने चलेंगे तो उसमें अभी हमें कोई ऐसा वैश्विक स्तर पे कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद ही उसमें लीडर हैं। तो ऐसी चीजों को साथ में नए नए टेस्टी और अलग अलग एज के बच्चों के हिसाब से मिड डे मील में क्या जा सकता है, स्कूलों में क्या खिलाया जा सकता है, हॉस्टल्स में क्या खिलाया जा सकता है, ऐसी रेसिपीज भी डेवलप करने का जो है एक बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम, अभी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं हॉल में ये लोग इसमें ध्यान लगा सकते हैं, कोई भी नया चीज सोच सकते हैं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, तो आज जो मिलेट का श्री अन्न कहा जा रहा है, पहले चावल को श्री अन्न कहा जाता था, धान को, उसकी बहुत सी किस्में उपलब्ध थी, भारत का अपना ट्रेडिशनल अन्न था, तो इनको भी श्री अन्न पहले से ही, मिलेट्स को भी श्री अन्न की तरह से अगर 50 साल पहले से बढ़ावा मिला होता तो शायद आज इनकी स्थिति पूरे विश्व में कहीं और होती। लेकिन आज अगर मौका मिला है हम लोग को, 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया, तो फिर उसके बाद से कार्य करते करते अब 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, तो हम लोग को इसका फायदा उठाना है, जैसे भी इससे जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए और जहां तक हो सके इसकी जागरूकता गांव-गांव तक पहुंचानी चाहिए कि जो हमारा खुद का भोजन है, भोज्य पदार्थ है, आठ तरह के मिलेट और साथ में रामदाना कुट्टू को भी जोड़ लें तो 10 हो जाते हैं, इन 10 का जितना प्रचार होगा उतना इस आगे के लिए हम लोग के लिए फायदा होगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं, ये सभी जो हैं, दे आर गुड फॉर कल्टिवेटर्स, दे आर गुड फॉर क्लाइमेट, दे आर गुड फॉर कंज्यूमर, तो ट्रिपल सी बेनिफिट है इसमें, इस ट्रिपल सी बेनिफिट का फायदा उठाते हुए लेट अस वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ मिलेट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, योर वैल्यूएबल वर्ड is highly appreciated and is useful to us. Now I'm requesting Secretary Sir, Sri Govind Sir, please, time is very short. Chancellor Sir,
नींद लाया था।